एक दिन मेरे दोस्त अनस का मेरे पास कॉल आता है, वो बोलता है कि भाई 29 नवंबर को एडवर्ड का बर्थडे है और वो रहता दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, तो हम लोग 29 के मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ेंगे, इवनिंग में वहाँ पहुँचेंगे और नाइट में उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी देके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ट्रेन से वापस आ जाएंगे। तो उसने पूछा क्या सीन है, चलना है? मैंने कहा भाई नेकी और पूछ चलो फिर। लेकिन चलने से पहले कुछ गिफ्ट लेना पड़ता है भाई, जैसे हम लोग का मन तो नहीं था। अच्छा बात नहीं है। एडवर्ड के लिए गिफ्ट, ये मामा का है। फिर कुछ बेफजूल चीजें जैसे क्या लिया अनस? ये मुंह पे मारने वाला जो होता है। अच्छा, और ये स्प्रे, स्प्रे, वाइट स्प्रे। और ये क्या है? अच्छा, मारने वाला। वाह रे बंदर, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। द नेक्स्ट डे moments later मैं दूसरे बॉगी में चढ़ गया हूँ और अनस शादी को मामा दूसरे बॉगी में चढ़ गए, वो लोग लेट से आए, अब अगले स्टेशन उतरूंगा तो मैं जाऊंगा। कौन सा स्टेशन आना? बारह हाट। हम लोग आ गए हैं और ये ट्रेन पीछे लगी हुई है, इधर धूप निकला हुआ है और यहाँ पर हो हल्ला हो रहा है। वर्धमान स्टेशन में लोग आ गए हैं, अभी लोकल ट्रेन का वेट कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे दुर्गापुर, लोकल ट्रेन पर लगी हुई है, एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं, वही जो भी लगभग 10-15 मिनट में ट्रेन आने वाली है। सरप्राइज नहीं, कुटाई होने वाला है। समझे एडवर्ड, जब तुम देखोगे तब पता चलेगा तुमको, बहुत मार पड़ेगी। पार्टी और कुछ बताओ एडवर्ड के लिए, क्या संदेशा देना चाहते हो? क्या संदेशा? वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि क्या होने वाला है उसके साथ। क्या होने वाला है वैसे, मतलब कुछ हिंट? कुछ हमारे दर्शकों के लिए अभी कुछ नहीं है, हमारे दर्शकों के लिए कुछ नहीं, सब एकदम सरप्राइज है। बिल्कुल सरप्राइज है सर। कुटाई जम गई एक साथ, कुटाई और अंडा जो दो खरीदे उसके लिए तीन चार, दो एक दर्जन अंडा आएगा, दो सभी हो जाएगा। तबियत से, तबियत तबियत से लिया जाएगा उसका, इतना जल्दी नहीं होने वाला। जी शुक्रिया आपका बहुत। जी ना, दुर्गापुर में हम लोग उतर चुके हैं और ट्रेन खुल गई है, हम लोग और मामा भी साथ में। दोस्त से बात कर रहे हैं, उसको बुलाया जा रहा है, क्या कि एडवर्ड का दोस्त जो है उनका नाम तो मुझे पता नहीं, वो मिले हुए हैं हम लोग के साथ, उनको सारा चीज़ पता है। तो अनस भाई अभी बात कर रहे हैं उनसे, अभी उनको बुलाया जा रहा है और बुलाने के बाद तब उनके साथ हम लोग जाएंगे रूम पर। ये एडवर्ड को कुछ नहीं पता है, स्टेशन के एक नंबर के साइड से या अपोजिट साइड। और ये दुर्गापुर मार्केट है, हम लोग केक का शॉप ढूंढ रहे हैं, कहीं पर केक का शॉप मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ये रहा केक शॉप, हम लोग आए हैं केक खरीदने के लिए, देखते हैं अंदर में कौन कौन से टाइप का केक है।
कौन सा अच्छा रहेगा? ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये ज़्यादा बेटर भी लग रहा है। इसी को ओके कर दो। भाई साहब 5 किलोमीटर चलने के बाद केक का शॉप मिला है एडवर्ड भाई, तेरे लिए बहुत मुश्किल से केक मिला है। दुर्गापुर में केक का दुकान ही नहीं है, कैसे कैसे करके मिला है। पैदल चल चल करके साला हालत खराब हो गई। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कितना किलोमीटर चलना पड़ा रहा है केक के लिए? अप्रोक्स 2-2.5 किलोमीटर तो चल ही गए होंगे हम लोग। 2-2.5 किलोमीटर अलग वापस अलग। और गूगल गूगल का ना बताएं, गूगल गूगल से भाई गूगल का भरोसा नहीं करना है कभी, गलत एड्रेस बहुत ज्यादा रहता है। बट केक हम लोग मिल गया, बहुत अच्छा केक मिला, केक मिला बहुत अच्छा केक, बाय लक बहुत अच्छा दुकान भी था। ऑटो लेते हैं 90 रुपये। ये थी भैया कि एड को उसके दोस्त को रूम पे भेज कर हम लोग उसके गैर हाजिरी में उसके रूम पर हर इंतजाम करके उसका वेट कर रहे थे ताकि वो आए उसे बर्थडे बम दिया जाए। हम 2 दिन पहले हम निकल आए। थोड़ा रोशनी में लगे मार। हम तो फीट पे मारा था, मेरा मिस कर गया वो। मैजिक कैंडी रूल जानते हो इसका? जब तक नहीं बुझेगा जब तक मार दे रहेगा तब तक फिटेगा। 5 साल सन्नाटा हो गया मेरा। और ये एडवर्ड बाबू का गिफ्ट है जो ये खोल रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है अंदर से। निकाल निकाल पहले उसको निकाल के। म्यूट हो जाएगा। सरप्राइज मत, सरप्राइज मदर। वकार जाका की तरह, वकार जाका की तरह। पे कौन है यार तू? अच्छा अच्छा नाटक हो गया, जूता पहनी। अरे
एडवर्ड बोलिए आपको कैसा लगा आज बर्थडे मना कर हम लोग को बहुत अच्छा लगा तुम्हारे पास आके कैसा लगा महाराज बोले? और महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप टाइम वेस्ट हो गया ना को आई हम चपम बेकार हो गया ना कावे ना करते टाइम मजा नहीं बोर कर जा हम ज्ञान दे रहे हैं ना जिम करके तो एक बात तो साफ है दोस्त तू जिम करता है ना पीरियड ने सबके लिए बिरयानी ऑर्डर की बाद हम लोगों ने डिनर करने के बाद सोचा कि क्यों ना थोड़ा देर पबजी खेला जाए जी में कुत्ता करीन हारने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब सो जाना सही रहे क्योंकि हम लोग दिन भर के बहुत थके हुए भी थे और एडवर्ड का नेक्स्ट डे पेपर भी था तो हम लोग जल्दी सो गए और फिर नेक्स्ट डे सुबह उठकर एडवर्ड पेपर देने चला गया हम लोगों से मिलकर और हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उस वक्त एडवर्ड की आँखों में जो हम लोग के आने की खुशी और जाने का गम था वो मैंने महसूस किया। खैर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि नहीं होना मुझे अकेले कामयाब हम दोस्तों के साथ बना दिए। लाल तो मैंने किया